डोर टू डोर कूड़ा लेने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण संस्थान को नगर पालिका रायबली के द्वारा नियुक्त किया गया। इसमें काम कर रहे कर्मचारियों ने आज वेतन न मिलने के कारण धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, लेकिन नगर पालिका और संस्था के बीच की लड़ाई में कर्मचारी पिस रहे हैं और ऐसे में दीपावली कैसे मनाएंगे, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के बीच पहुंचे नगर पालिका के अधिशासी अभियंता आशीष कुमार सिंह ने पूरे मामले को समझा और कार्रवाई करने की बात कही। संस्था पर इसका पूरा जिम्मा मर दिया और उन्होंने बताया कि संस्था को नगर पालिका की तरफ से काम दिया गया था, लेकिन संस्था ने जिम्मेदारी के साथ काम नहीं किया और न ही कर्मचारियों का वेतन दिया। इसी के कारण संस्था का टेंडर निरस्त कर दिया गया। अशासकीय अभियंता की बात भी अगर मान ली जाए तो आखिर इन कर्मचारियों का क्या दोष था जिन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए ठेकेदारों प्रथा पर काम किया और उन्हें वेतन नहीं मिला। दीपावली सर पर है और 6 महीने से वेतन न मिलने के कारण वह परेशान है। इन कर्मचारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य संतोष पांडे भी पहुंचे। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर कर्मचारियों का वेतन भुगतान जल्द न हुआ तो लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी विपिन के साथ। मैं डॉक्टर आशीष हूँ, इवन नगर पालिका परिषद रायबरेली। सर, यहाँ पर अभी धरना हो रहा है, यहाँ पर जी नारेबाजी हो रही, क्या है मामला? एक्चुअली जो डोर टू डोर कलेक्शन कर रही थी जो संस्था हमारे यहाँ नगर पालिका की तरफ से इसको टेंडर दिया गया था, तो उनका टेंडर निरस्त किया गया है उनके कृत्यों की वजह से। ठीक से डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रहा था, कूड़ा गलत जगह डाला जा रहा था, गाड़ियों की रखरखाव ठीक से नहीं था और वो अपने जो है कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे रहे थे। तो इस कारण को कुछ नोटिस जारी की गई जिस पर उपस्थित नहीं हुए, उसके बाद उनका जो है टेंडर निरस्त किया गया। नहीं, सैलरी नहीं दी जा रही थी, बाकी शिकायत कर्मचारियों ने नहीं की। एक बार इन्होंने धरने प्रदर्शन में बैठे थे तो इनको जो है पेमेंट किया गया था और ये विषय ठेकेदार का और उनके कर्मचारियों का आपस में है। हम न कर्मचारी रखते हैं उनके, न हम सैलरी देते हैं। हम संस्था को टेंडर देते हैं, काम देते हैं, उसके बाद उसको पेमेंट संस्था देती है। संस्था के विरोध हमने टेंडर कैंसिल कर दिया है। हम गाड़ियों को देख रहे हैं, बहुत सारे सामान इसमें से गायब हैं, जैसे हाइड्रोलिक पंप किसी भी गाड़ी में नहीं है। तो हम संस्था को ब्लैकलिस्ट करेंगे और व्यक्तिगत रूप से अरुण कुमार रावत के खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं। धरने का मामला यहाँ से केवल पैसा ही है। हम लोगों को 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और वेतन मांगने पर ये लोग आजकल करके इतने दिन टाल रहे हैं। अब कौन लोग टाल रहे हैं? ये यहाँ के जो ठेकेदार हैं। क्या नाम है ठेकेदार? ठेकेदार का नाम अरुण रावत है, लेकिन अरुण रावत आज तक यहाँ हम लोगों के सामने नहीं आया है। उसका प्रतिनिधि काशी प्रसाद मिश्रा है, वो आता है, वो यही कहता है कि आज दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे, यही करके चला जाता है। और पैसा मिल नहीं रहा है, त्यौहार का समय है और हम लोग बहुत परेशान होकर के आज धरने पर बैठे हैं। ये आज गाड़ियां भी यहां से जा रही थी, नगर पालिका ने टेंडर निरस्त कर दिया है, तो हम लोग गाड़ियों को रुकवा करके यहां बैठे हैं कि जब तक हमारे लोगों का पैसा भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग इस धरने से नहीं हटेंगे। अगर ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम लोग आत्मदाह के लिए भी सोच लिया है, हम लोग आत्मदाह करेंगे। कितना पैसा बाकी है उनका, उनके पास, आपके पास, आपका? आपका, हमारा, हमारा पैसा करीब 18,000 रुपये है यहाँ पर। ये 7,500 रुपये पर इन्होंने नियुक्ति किया है, जहाँ की आज 6,000 रुपये किसी को 6,500 रुपये दे रहे हैं, लेबरों को 5,000 रुपये दे रहे हैं। तो इतनी कम तनख्वाह में हम लोग काम भी करते हैं फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। अगर महीनों से बाकी ये पैसा, ये पैसा किसी का 4 महीने, किसी का 3 महीने का है, किसी का 3.5 महीने का है, जो जैसा हिसाब है सबका बकाया है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग आत्मदाह करेंगे यहीं पर। हम लोग जब घर में ठिकाना नहीं है, यहाँ भी ठिकाना नहीं है, तो क्या करेंगे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पांडे, जिला कार्य समिति सदस्य, नगर अध्यक्ष, भाजपा रायबरेली। क्या है मामला? रायबरेली नगर पालिका द्वारा जो है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की गई थी लगभग जो है कई साल पहले, जिसमें पहले भी लगभग 7-8 महीने के पैसे जब बाकी थे तो सुपर मार्केट में धरना प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी महोदय जी के हस्ताक्षेप के बाद इन कर्मचारियों के 5-4 महीने की तनख्वाह थोड़े थोड़े करके दिए गए थे। जो ठेकेदार यहाँ रायबरेली में है वो काशी प्रसाद मिश्रा हैं और लखनऊ के ठेकेदार कोई रावत है, जो किसी का भी फ़ोन रायबरेली से नहीं उठाता है। 3-4 नंबर जो है व्यवस्था किए गए हैं लेकिन वो कभी फ़ोन नहीं उठाता है। काशी प्रसाद मिश्रा जो यहाँ पे काम देख रहे हैं, उन्होंने किसी और के को यहाँ पे 3 महीने से रखा है। अब आज अचानक से नगर पालिका ने बिना दीपावली का ध्यान रखते हुए उनका ठेका निरस्त कर दिया। उनका क्या मामला जाने, मेरा मामला सिर्फ इतना है ये कर्मचारी
जो बहुत गरीब हैं, जो 20 से 24 फुर्सतगंज से आगे से गांव से कर्मचारी हमारा आता है, जो 24 किलोमीटर दूर साइकिल से आता है और हमारे आपके घर का कूड़ा उठाता है, बच्चों की गंदगी उठाता है, ऐसे समय में इन्होंने उठाया है जब कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल में हम आप किसी अगल बगल के घर में झांकना नहीं समझते थे तो ये कूड़ा उठाने का काम करते थे बेचारे। आज इनका 8 से 10 लाख रुपया बाकी है और रायबरेली के नगर पालिका यो महोदय कहते हैं कि हमसे इन कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है और ठेकेदार को आज लगभग 1 हफ्ता ठेका निरस्त किए हुए हो गया। कहा गया कि उसके ऊपर FIR कराया जाएगा लेकिन अभी तक FIR नहीं करवाया और हमसे कहा गया अगर तुम इसमें बीच में पड़ोगे तुमको FIR करा के तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा।